हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हो, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा पेनी स्टॉक, एक ऐसा पेनी स्टॉक लाया हूँ जो काफ़ी अच्छा है और इसके पैरामीटर काफ़ी सॉलिड है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा खासा मुनाफा दे रही है और आपके पोर्टफोलियो में जगह तो ये बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हो, कंपनी की प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं तो ये कंपनी ऑर्नामेंट्स बनाने का काम करती है। आप देख सकते हो ये ज्वेलरी बनाने का काम करती है, उसी प्रकार बैंगल्स बनाने का काम करती है, अंगूठी बनाती है और अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाती है। तो ये जनरली गोल्ड में डील करती है, ये एक्सपोर्टर रिटेलर है इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स के। आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट्स जो कि स्क्रीन में दिख रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कंपनी का जो ओवरऑल है, ये गोल्ड से डील करता है, एक्सपोर्टर और होलसेल रिटेलर है ये गोल्ड के। तो कंपनी का जिसका नाम बता रहा हूँ वो है वीरम सिक्योरिटी लिमिटेड और इस कंपनी का प्रोफाइल आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देखते हो कि 5 दिन में तो ये 21% दिया है, अभी 4.92 है और 1 महीने में 115% है। बहुत भागा है ये स्टॉक, 29 रुपये से बढ़कर 54 रुपये हो गया, तो बहुत ज़्यादा ये अपना बहुत ज़्यादा भागा है। ऑलमोस्ट 25 रुपये से ये 50 को भी क्रॉस कर गए ने, लगभग डबल को आपको मुनाफा दे दिया 1 महीने के अंदर। 6 महीने में भी इसने 107% दिया है, पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। और 1 साल में तो इसने लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा पैसे बना के दिया, 422%, जो कि स्टॉक दिखा था बहुत अच्छा है। ये स्टॉक आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ऐसा नहीं पेनी स्टॉक नहीं कि एकदम जो 10 रुपये का था फिर एकदम बड़ा और धड़ाम नारी लुढ़क गया। ये स्टॉक धीरे 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 बड़ा और फिर एक कंसोलिडेशन रेंज में आया, फिर बड़ा, फिर कंसोलिडेशन रेंज में, और जैसे ही गोल्ड प्राइस बढ़ा तो धीरे धीरे बढ़कर अभी अच्छा खासा रिटर्न मुनाफा दिया है। आप देख सकते हो कि मई को, अभी कितने 3 से 4 महीने पहले इसका प्राइस 13 रुपये था और तब से इसने 4 गुना का रिटर्न आराम से निकाल के दे दिया है। 5 साल में देखोगे तो पहले तो ये फ्लैट ही था, बहुत ही ज़्यादा पेनी स्टॉक था, 3 रुपये का शेयर था और 3 रुपये से लेकर जो अब आज से 3 से 4 साल पहले 3 रुपये से बढ़कर 54 रुपये हो गया है। तो आप देख सकते हो कि लगभग 1200% का रिटर्न बना के दिया है इसने पिछले 5 सालों में, और मैक्सिमम चार्ट लगाया तो लगभग उतना ही सिमिलर है। आप देख सकते हो कि 3 रुपये का स्टॉक भाग के 54 रुपये हो गया और अभी आगे बढ़ने की काफ़ी पोटेंशियल है। इसका जो मेन रैली है ये 2019 का, जब से बोलते कोरोना आया तब से इसका मेन रैली आप देख सकते हो धीरे धीरे आया और चार्ट पैटर्न अच्छा ही है, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर भाग रहा है और फिर नीचे डाउन हो रहा है फिर ऊपर भाग रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो पैटर्न काफ़ी अच्छा है। और इसके पैरामीटर अगर देखोगे तो ये उससे भी अच्छा है, 274 करोड़ की बहुत ही ज़्यादा माइक्रो की कंपनी है। जैसे मैं आपको बताया इंडस्ट्री पी से अपना ये लगभग डबल या फिर ट्रिपल बोल सकते हो, तो ज़्यादा भागा नहीं है, तो कोई 5 से 6 गुना ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, परंतु हाँ अभी बुक वैल्यू से इसकी करंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू 7 रुपये का, परंतु उससे करंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए भी एक न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊँगा, अभी आज ही मैंने BSE की वेबसाइट में जाकर देखा। तो इसके कंपनी पहले पैरामीटर देख लेते हैं, कंपनी में कर्जा तो कुछ भी नहीं है, डेबिट तो 0 है और रिजर्व कंपनी लगभग 8 करोड़ के लगभग है, तो काफ़ी अच्छा है। EPS 0.79, 0.85 है, तो बहुत ही अच्छा है। और ROE फैक्टर 24 से 25 के लगभग नियर अबाउट है, जो कि दिखा रहा है काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं, अभी इसमें जून का क्वार्टर का रिजल्ट तो आया नहीं है, परंतु क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ही है, पॉजिटिव में रह रहा है और कंपनी का जो EPS है वो साल दर साल बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने अभी क्वार्टरली रिजल्ट लगाया, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जैसे जो पहले 0 करोड़ था, फिर 0.8 हुआ, 0.80 हुआ, और इस बार तो 2 करोड़ के लगभग हुआ मार्च के क्वार्टर में, यानी सॉरी मार्च 2021 में 2 करोड़ हुआ और उसको कोई लोग मेंटेन किए हुए अभी मार्च 2022 में भी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ये बढ़ रहा है। पहले जो 1 करोड़ भी टच नहीं किया था उसको तो 2 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा दे रहा है। इनका EPS देखिए, कोई भी कंपनी का ग्रोथ ही तो उसका EPS जरूर देखना चाहिए। EPS देखिए कहाँ बढ़ रहा है, एकदम धीरे 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 जो 0.0 में था वो बढ़ के 0.79 हो गया, यानी साल दर साल हर साल ये कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप इसके रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके वैल्यू, ये 3 साल में 145% का रिटर्न दिया है और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हर साल कंपाउंडेड जो ग्रोथ बोलते हैं वो 70% का है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना के दिया डबल डिजिट, और 3 साल में तो इसने लगभग 300% ज़्यादा 3 डिजिट में रिटर्न दिया है। सेल्स ग्रोथ
परंतु अभी इसका, क्योंकि गोल्ड के साथ ये डील करता है तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, तो अभी इस साल का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा ही, जैसे आपने देखा 1 महीने में तो 100% बना के दिए, तो अभी इस साल कई लोग सीएजीआर कैलकुलेट नहीं किए, जो कि मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के आने के बाद यहाँ पे वेबसाइट में अपडेट होगा। तो रिटर्न में तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। इन्वेस्टर की बात करते तो इन्वेस्टर लगभग 50% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी 50% की होल्डिंग है, FIIs के पास 0.5। और इसी क्वार्टर में FIIs ने जो अपना स्टेक है वो बढ़ाया है, उन्होंने लिए कि कम, उनको पता है कि कंपनी आगे आगे और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है तो बढ़ रही है। उसी प्रकार प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग कम करते हैं और परंतु पब्लिक उतना ही होल्डिंग बढ़ा रही है यहाँ पे, तो प्रमोटर्स कम कर रहे हैं परंतु पब्लिक अपनी होल्डिंग बना रही है और FIIs एंट्री ले रही, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइन है। अब ये प्रमोटर्स के क्यों इस स्टेक में चेंज की ये तो पता नहीं, परंतु प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हो, पहले जो 48, 46, फिर 49 हुआ, फिर 53% हुआ, और इसी क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा स्टेक को सेल किए इस बार। तो ये तो इस कंपनी की न्यूज़ के बारे में आती है। अब अगर ट्रेंड लाइन में देखते हैं तो आप देख सकते हो कि टेक्निकली बुलिश बताया जा रहा है, 100 में से 80% का स्कोर इसको दिया गया, यानी कितना शानदार तगड़ा है, 70% के ऊपर है तो काफ़ी स्टॉक काफ़ी अच्छा रहता है। स्ट्रेंथ 11 है और वीकनेस की सिर्फ 7 है, तो और वोलेटिलिटी 0.3 की, यानी कंपनी की हर एक चीज़ में अगर देखोगे तो टेक्निकली साउंड और फंडामेंटल कंपनी है। अगर मैं इसके BSE में वेबसाइट में देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि 14,62,000 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, उतना ही डिलीवरेबल हुआ और परसेंटेज डिलीवरी 100% हुआ है। लोग इसमें जम के दबा के माल उठा रहे हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसका एक न्यूज़ निकल के आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोर्ड इंटीमेट आज ही इन्होंने बताया है 3/8 को, कि लेटर को मैंने डाउनलोड किया हूँ तो आप देख सकते हो जो लेटर है, ये लेटर ये है कि आज कंपनी ने बताया कि 10 तारीख को, 10 अगस्त को, आज से 6 दिन बाद 10 अगस्त को इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जून का क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होना है। और दूसरी बात है, ये कंपनी फिर से बोनस शेयर्स को अप्रूव करने का सोच रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव निकल के आ रही है। अगर बोनस अप्रूव होता है तो कंपनी का जो शेयर्स है और रॉकेट बनेगा, और अपने जो पुराना वैल्यू है जहाँ पे इसने फिर से पहले मार्च में बोनस दिया था, सॉरी स्टॉक स्प्लिट हुआ था, वो उस प्राइस को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राइस 80 रुपये थी। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, 2020 में तो इसने इन्होंने बोनस दिया था, आप देख सकते हो 134:100 का बोनस दिया था, परंतु अभी इस साल की मैं बात करता हूँ 2022 में ये 10:2 का इसका स्टॉक का स्प्लिट हुआ है। अगर आपके दो स्टॉक रहे तो आपको 10 स्टॉक मिल जाते, और अभी इसने फिर से ये बोनस इशू देने वाली है। कंपनी को पता है कि कंपनी कब बोनस देती है, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहती है, तो कंपनी और कंपनी को अपनी लिक्विडिटी बढ़ाना है ताकि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े और छोटे छोटे निवेशक उसमें अट्रैक्ट हो, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा आएगा और कंपनी अपने जो प्लानिंग है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसलिए ये लोग अभी स्टॉक स्प्लिट मार्च में हुआ था और अभी कितना 4 महीने बाद ही इन्होंने फिर से बोनस इशू करने का डिसीजन लेने वाली, क्वार्टर रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है। तो हम इसके फिर से ग्राफ में आते हैं, अभी आप देख सकते हो ये 6 महीने का जो मैंने चार्ट लगाया, ये हमेशा 16 रुपये के लगभग टच करने की कोशिश करता है 6 महीने में, और फिर वहाँ से टर्न टर्न लेता है। तो ये पहले देखो ये 14 रुपये था, अब देख सकते हो कि ये 14 रुपये से 30 रुपये में, 31 रुपये में आया, और फिर यहाँ से ये जंप होके 54 रुपये में भी चल रहा है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हो तो शॉर्ट शॉर्ट पोजिशन बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो काफ़ी तगड़ी है, और आपका नज़रिया कम से कम इसमें 1 साल तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि 1 साल में ये जो स्टॉक है, अगर अभी इसमें बोनस की घोषणा होती है और अगर बोनस का जो डेट है अगर वो 2 महीने बाद रखा जाता है, तो ये अपना जो पुराना टाइम है जहाँ पे इसका स्टॉक का स्प्लिट होता है 80 रुपये में, तो ये उसको टच करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से भी अगर ये 80 रुपये जाता है तो भी आपको एक नहीं तो भी 50% के लगभग रिटर्न तो बना के दे ही देगा। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई भी क्वेरी तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।